अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे पूरा वर्ल्ड में इंटरनेट का राज चल रहा है। जो भी बिजनेसेस हैं उसको दुनिया के सामने लाने के लिए लोग वेब का यूज़ कर रहे हैं। इस डिजिटल युग में सभी बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए अपनी इंटरनेट पर पहचान बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब इंटरनेट सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, वहाँ लोग अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, सर्विसेज प्रमोट करते हैं और अपनी स्किल्स भी वहाँ पे दिखाते हैं। पहले के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ वेबसाइट बनवाती थीं, लेकिन अब हर एक कंपनी वेबसाइट बनवाती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। तो अब क्वेश्चन आता है कि वेबसाइट बनाता कौन है और वेबसाइट बनती कैसे है। तो अब हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जो भी वेबसाइट बनाने का काम करता है उसे हम वेब डिज़ाइनर कहते हैं। वेब डिज़ाइनर के पास उससे जुड़े हुए टूल्स एंड कंप्यूटर्स की अच्छी सी नॉलेज होती है। अगर आप वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वेब डिज़ाइनर कैसे बने, इसके बारे में सारी नॉलेज देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल डिज़ाइन विद रेहाना में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि वेब डिज़ाइनर होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रेहाना खातून, आपके साथ मेरे चैनल डिज़ाइन विद रेहाना में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बताएंगे वेब डिज़ाइनिंग होती क्या है। तो वेबसाइट बनाने के प्रोसेस को हम वेब डिज़ाइनिंग कहते हैं, जिसमें वेब पेज लेआउट, कंटेंट प्रोडक्शन, ग्राफिक डिज़ाइन और कई सारी चीज़ें शामिल हैं। तो जो भी वेबसाइट बनाने का काम करता है उसे हम वेब डिज़ाइनर कहते हैं। वेब डिज़ाइनर की सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में वेब डिज़ाइन को नौकरी के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक वेबसाइट डिज़ाइनर का काम सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन करना ही नहीं होता है, बल्कि क्लाइंट या यूज़र की ज़रूरतों को समझते हुए वेबसाइट को अट्रैक्टिव लुक देना होता है। वेब डिज़ाइनर को वेबसाइट का लेआउट हेडर से लेकर फुटर तक ऐसा बनाना होता है कि यूज़र्स वहाँ उस साइट पर बार बार आएँ और उस साइट को पूरा देखें भी। इस करियर के लिए क्रिएटिविटी का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेबसाइट को HTML मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया जाता है। फिर उस वेबसाइट को अट्रैक्टिव दिखने के लिए हम CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट पे सारी वेबसाइट्स HTML CSS का यूज़ करके बनाई गई हुई हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसके यूज़ से हम वेबसाइट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस यूज़ करके, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स का यूज़ करके। वेबसाइट बनाने में जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वेबसाइट को ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें कि यूज़र के किसी भी एक्शन को कैप्चर किया जा सकता है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और किसी भी आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया कंटेंट दिखाई देता है, उसके लिए हम JS का यूज़ करते हैं। तो चलिए ये बता देते हैं आपको यहाँ पे कि वेब डिज़ाइनर बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। वेब डिज़ाइनर में अपना करियर बनाने के लिए क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, अपने काम में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की चाहत होनी चाहिए और क्रिएटिविटी के साथ साथ इमेजिनेशन की क्वालिटी भी होना चाहिए। और वेबसाइट बनाने के लिए जो भी टूल्स का यूज़ होता है उन सभी की नॉलेज भी होना चाहिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम आपको ये बता देते हैं कि कभी भी किसी भी वेबसाइट की कॉपी नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा, कॉपीराइट का इशू आ सकता है, जिससे आपकी बदनामी भी हो सकती है और आपके क्लाइंट की भी बदनामी हो सकती है। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखना होगा, साथ में फोटोशॉप भी सीखना होगा, जिससे कि आप इमेज कैसे दिखानी है वो बना सकें। अगर आपको कोडिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप इस फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको वेब डिज़ाइनर बनने का मन है तो आप 12th पास करने के बाद इस लाइन में जा सकते हैं। तो अब हम जानेंगे वेब डिज़ाइनिंग के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। वेब डिज़ाइनिंग सीखने के लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन कोर्स, जिन्हें सीखने के लिए आप कोई भी बढ़िया सा गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज में वेबसाइट बनाने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, फोटोशॉप, वेब होस्टिंग एंड SEO जैसी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें सिखाई जाती हैं।
तो अगर हम बात करें डिप्लोमा कोर्सेज का ड्यूरेशन की, तो उसका ड्यूरेशन 1 से 2 साल तक का होता है, जिसमें आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पे काम करने की नॉलेज दी जाती है। और अगर हम बात करें डिग्री कोर्सेज की, तो उसका ड्यूरेशन 3 साल तक का है। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और ये सारे प्रोग्राम्स बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करवाते हैं, और जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ से 1 साल के तक का होता है। तो चलिए अब हम वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेज के नाम जान लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बैचलर्स डिग्री कोर्सेज, तो उसमें हमारा आता है BSc इन एनिमेशन एंड वेब डिज़ाइनिंग, सेकंड BSc इन ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनिंग, थर्ड BSc इन VFX एंड वेब डिज़ाइनिंग, फोर्थ BSc इन मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइनिंग। अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की, तो उसमें आता है हमारा MSc इन मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइनिंग, MSc इन एनिमेशन एंड वेब डिज़ाइनिंग, PG डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग, एडवांस डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग, PG सर्टिफिकेशन इन वेब डिज़ाइनिंग। फिर हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की, तो उसमें हमारा आता है डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन ग्राफिक्स एंड वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट एंड डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अब हम बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज की, तो उसमें हमारा आता है, पहला है सर्टिफिकेट इन वेब डिज़ाइनिंग, फिर हमारा है सर्टिफिकेट इन वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देन सर्टिफिकेट इन वेब डिज़ाइनिंग एंड 2D एनिमेशन, सर्टिफिकेट इन वेब डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन HTML, CSS एंड PHP, सर्टिफिकेट इन वेब डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन वेब डिज़ाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। ये सारे कोर्सेज के नाम हैं, जो कि आप कोई भी इसमें से पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि वेब डिज़ाइनर के लिए करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो वेब डिज़ाइनर के लिए स्कोप अच्छा है। वेब डिज़ाइनर का कोर्स करने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी कंपनी में एज अ एप्लीकेशन डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, SEO स्पेशलिस्ट, वेब कंटेंट मैनेजर एक्सेट्रा, इन सारी पोस्ट पे आप आराम से काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी वेब डिज़ाइनर कंपनी में आराम से जॉब मिल सकती है, और आप अपना खुद का फ्रीलांस भी कर सकते हैं। इंडिया में ऐसी हज़ारों कंपनियां हैं जो वेब डिज़ाइनर को अच्छे पैकेज पर हायर करती हैं, और आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके स्किल्स पे, जो कि हम टाइम के साथ साथ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, और आप इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर कोई आपको डाउट होता है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, सीखते रहें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।